Please come, come, come. तो टीम चूज करनी बड़ी हार्ड होती है और एक्टर तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो एक्टर को जो आपकी स्क्रिप्ट समझ सके और आपका जो विजुअल समझ सके बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे आनस के लिए, आनस के लिए मैंने एक 6 महीने मेहनत की, उसको अभी तक समझ में नहीं आया। ये हमारे जो डायरेक्टर है ना, एक पहले संजय खान साहब जी थे एक डायरेक्टर, हाँ, जो मतलब मूड से काम करते थे। इंडस्ट्री में जितने भी मीडिया वाले हैं सबको मालूम होगा कि वो किस मूड से काम करते थे। मतलब जो चीज़ करनी है करनी है। हम लोगों ने यूरोप में शूट किया था, इन्होंने 3 दिन, हमारे पास प्राइवेट एयरपोर्ट था जिसमें 30 एटलीस्ट हम लोगों ने प्राइवेट प्लेन्स रखे हुए थे। 2 दिन का शूट था एक शॉट के लिए, तीसरे दिन फिर इन्होंने किया। मतलब जो चाहिए तो चाहिए, मतलब उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। सो इनके साथ काम करने में मज़ा आता है। ओके, सो इतनी सारे एक्साइटिंग और इतनी सारी चीज़ें हैं, लेट्स स्टार्ट। कुछ सरप्राइज जो है उसे रिवील किया जाए, यस और नो? यस ऑफ कोर्स, मैं चाहता हूँ कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। दोनों ब्रदर को बुलाता हूँ जो मेरे साथ बहुत टाइम से खड़े हैं, मेरे को झेलते भी हैं और फाइनेंस में भी। ओ ग्रेट, कम टू द जगवीर सिंह। जगवीर सिंह जी आ गए, पंजाबी सिंगर, प्लीज कम टू द स्टेज। आइए प्लीज, एक बार तालियां हो जाए, जगवीर सिंह यहाँ पर आ चुके हैं। और राइट पाजी, आओ तो सी। अभी हमारे इस कॉन्फ्रेंस का, इस इवेंट का सर ऐसा है कि जो भी हमारे आर्टिस्ट टैलेंटेड यहाँ पर आते हैं उनका एक हम लोग चाहते हैं कि वो 2 लाइनें 3-4 लाइनें सुनाएं। इज अ वेरी गुड, वेरी गुड सिंगर यार, जगवीर सिंह इज वेरी गुड। चलिए पाजी, ये आपका माइक आपके पास है, 4 लाइनें सुनाना पड़ेगा, तो चलिए आइए स्टार्ट। सुना चाहेंगे कि नहीं? ओके, तो पंजाब का तड़का इत्थे है स्टेज पर, लेट्स स्टार्ट म्यूजिक। 1 2 सर रेडी? वोकल दे दीजिए, वोकल। हेलो, सब तो पहला जी आप सबनों इतने आने पर बहुत बहुत जी आया, साड़ी पूरी टीम वालों, पूरी फैमिली वालों। तो हाँ जी, हाँ जी, एक तुम गाना वैसे सुना, हाँ जी पंजाबी गाना सुना दें जी, जरा गौर करना जी। थोड़ा सर सामने आ जाइए, आगे थोड़ा आगे। बड़ा माने तेनू वादियां ते, ओदे झूठे कूड़े रादियां ते। बड़ा माने तेनू वादियां ते, ओदे झूठे कूड़े रादियां ते। ना बहुती देर दी गल है, ना बहुती देर दी गल, परम ता मुक ही जाना है। ना हदों वधदा जा दिला तू, टुट ही जाना है। ना हदों वधदा जा दिला तू, टुट ही जाना है। होए होए, टुट ही जाना है। अज मन आइया पिया कर दे, भुलिया फिर दे सारियां नू। तू जानदा नहीं कमलिया हुसन दे झूठे लारियां नू। उन्ना प्यार तेरे दिया रीजां दा, प्यार तेरे दिया रीजां दा गल कुट ही जाना है। ना हदों वधदा जा दिला तू, टुट ही जाना है। क्या बात, ना हदों, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सारे न्यूज़ आज होने वाले हैं मुझे लगता है। मैं सच में, मैं 2 फिल्मों के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत टाइम से घुसना भी चाहता था और जी चाहता था कि मैं एक पंजाबी फिल्म करूँ इस साल। तो बाकी मेरी पंजाबी में मतलब बहुत सारे हैं और लोगों ने मुझे प्रेशराइज भी किया कि यार आप पंजाबियों की पंजाबी फिल्म नहीं कर रहे हो। तो इस साल का मूड था कि एक अपनी फिल्मों के साथ, मैं खुद बहुत बिजी था 2 साल से कंटिन्यू, तो मैं खुद नहीं कर पा रहा था। तो फिर भी प्लान, मैं एक पंजाबी फिल्म करने जा रहा हूँ पर उसका डायरेक्टर अभिषेक, मैं खुद चाहता हूँ ये फिल्म करे, मेरा भाई छोटा और ये वेरी गुड डायरेक्टर पंजाबी में है जिसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। आई एम ओनली ओनली प्रोड्यूसर, नॉट ए डायरेक्टर। ही इज़ अ डायरेक्टर फॉर पंजाबी फिल्म। और म्यूज़िक दिया है जगवीर सिंह दे रहे हैं इस फिल्म में, म्यूज़िक पंजाबी में।
और राइटर निहाल, दो फिल्म मुंडे दी आई हैं पंजाबी च, बहुत वधिया आई है पंजाबी फिल्म च। राइटर ये है, बाकी पंजाबी फिल्म, पंजाबी फिल्म के बारे में आपको ज़्यादा मेरे से बेटर यही बता सकते हैं। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेल जो फिल्म का नाम है जिंदगी दे रंग सजना, हाँ, और हम लोगों का था कि पहले स्टोरी जो थी हमारे पास काफ़ी तरह की स्टोरीज आ रही थी, बट वी वांट कि हम कुछ रियल के ऊपर कुछ बनाएं। जितनी भी फिल्में आ रही हैं हमारी आगे एक दो तीन और हैं, तो फिर मुझे पाजी मिले, पाजी ने पहले तो मौका दिया मुझे, थैंक्स टू यू पाजी, और उसके बाद फिर पाजी ने मिलवाया मुझे इनसे, तो इन्होंने काफ़ी सारे कंसेप्ट मुझे बताए तो मुझे पसंद आया। तो रियल अब सारी स्टोरियाँ भी बता दूंगा तो फिर देखने में कुछ नहीं रहेगा, तो लेट्स सी। और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, तो रेस्ट। क्या बात है सर, तालियां हो जाए एक बार पूरी टीम के लिए। वक्त ज्यादा ना लेके हम लोग बड़े और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द मैं भी पंजाबी सीख लूं, फिल्में आगे आने वाली हैं। क्या बात है सर विक्रम सर, ऑलराइट, तो हम लोग नीचे आते हैं सब लोग एक बार। यस यस प्लीज, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा विक्रम सर आप स्टेज पर रहे, सिमरन सर प्लीज आप स्टेज पर रहे। लेट्स मैं बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज, हम लोग चाह रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं पीछे जो रेड कलर रिबन आप देख जो देख रहे हैं, स्टार्ट। बहुत देर से हम सब लोग इकट्ठे हैं, बट इतना बड़ा सरप्राइज है वो अब ओपन होने जा रहा है, रिवील होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द हॉनरेबल गेस्ट ऑफ काउंसलर जनरल ऑफ हंगेरी एंड डिप्यूटी हेड ऑफ मिशन काउंसिल, हमारे साथ मैं चाहूंगा ऑन स्टेज, प्लीज वेलकम। हंगेरी के जनरल काउंसलर हैं, यस प्लीज प्लीज कम टू स्टेज एंड प्लीज हनी सिंह, हनी प्लीज कम टू स्टेज, पंडित जी आइए प्लीज। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारा ये ब्यूटीफुल जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेके का नाम हम लोग ये जो आज आप देख रहे हैं रेड कलर का पीछे रिबन देख रहे हैं, दो बड़ी फिल्में बहुत जा रही हैं, सबसे बड़ी फिल्में लेडीज एंड जेंटलमैन। एक मिनट ऐसे होगा, ऐसे हम लोग काउंटडाउन, प्लीज प्लीज रेडी, यस 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 रेडी, ठीक 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 ऑलराइट सर, हम लोग काउंट डाउन करेंगे, गाइस एक मिनट वन, हम लोग सब लोग एक बार काउंट डाउन करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hey babe, hooray, ladies and gentlemen, आप देख सकते हैं, the launching of the two films, माही, और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं सेकंड फिल्म सीजर, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार तालियां, कम ऑन, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पीछे हो जाएं सर, थोड़ा सा एक पोस्टर का एक बार लुक आ जाए, थोड़ा सा फुट बैक, दैट्स इट, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन। वैसे तो आपको पता है बचपन में मुझे टीचर बहुत मारा करती थी एक चीज की वजह से, वो थी कैची, तो जो कैची थी उसे इंग्लिश में पूरा स्पेलिंग आप बताएं सर, क्या कैची को इंग्लिश में पूरा स्पेलिंग बताएं, क्या सीजर नहीं दिख रहा है, ओके अभी यहाँ है, बट दादू दिस सीजर सेकंड फिल्म आप देख सकते हैं, एक्साइटिंग द पोस्टर लॉन्च यहाँ पर हो चुका है, एक बार तालियां हो जाए सबसे पहले जोरदार, क्या बात है। ओके वन ग्रुप पिक्चर, ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, द ब्यूटीफुल पिक्चर्स यहाँ की पोस्टर लॉन्च यहाँ पर हो चुकी है, दिव्या फिल्म्स क्रिएटिव्स प्रेजेंट्स माही एंड साथ ही साथ सीजर, दो बड़ी फिल्में आज इसका पोस्टर लॉन्च हो चुका है, दिव्या फिल्म क्रिएटिव, लेडीज एंड जेंटलमैन एक फ्लैप हो जाएगी, नहीं लाइट्स कैमरा एक्शन, क्या बात है, माही एंड सीजर दो बड़ी फिल्मों का आज पोस्टर लॉन्च यहां हो रहा है, स्वैप, हाँ
इट्स ओके, एक मिनट सर, एक मिनट, माही इधर है, सीजर इधर है, या ओके, थ्री टू वन, लाइट्स कैमरा एंड एक्शन. वो लेट्स स्टार्ट. थैंक यू वेरी मच. चलिए, वेरी वेरी नाइस. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज हमारे साथ परब सिमरन संधु मैम है, जो कुछ कहना चाहेंगी, सो प्लीज पोडियम ऊपर लिया जाए. विक्रम जी, ये फिल्म की शूटिंग कब कंप्लीट होगी? और हम लोग दिसंबर के एंड तक एक फिल्म हमारी कंप्लीट होगी, और जनवरी में, मिडिल जनवरी फॉर सेकंड मूवी, अब हम 100% कंप्लीटेड. मैं क्योंकि मेरा 40, आई एम शूटिंग इन द 40-45 डेज इन द हंगरी, एंड बिफोर आई एम नेक्स्ट ईयर फॉर द फैब आई विल शूट इन द पंजाब. बाकी पंजाब में शूट कर रहा हूँ मैं सारा. पंजाब में मेरा 20-22 दिन का पंजाब में शूट है. ऑलमोस्ट मैं फरवरी एंड तक मैं दोनों फिल्में कंप्लीट कर दूंगा, दोनों की दोनों फिल्में कंप्लीट हो जाएंगी मेरी. और पहले मैं जो रिलीज करने के मूड में हूँ, हॉरर, हॉरर सीजर फर्स्ट करने के मूड में हूँ, और सेकंड माही. जी हितेन सर, जानना चाहूँगा कि आज के दौर में जो आप भी आए हैं. हाँ, आपके लिए सर. हितेन सर, आप पिज्जा नहीं छोड़ेंगे हैं? सर, आज के दौर में जो रीजनल फिल्म्स का मार्केट है, और जिस तरह से देख रहे हैं कंटेंट वाइज या बिजनेस वाइज, कितनी अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, खासकर पंजाबी फिल्मों की बात कर लें या मराठी फिल्मों की बात कर लें. एब्सोल्युटली. तो क्या कमेंट करना चाहेंगे कि एक बॉलीवुड का जो लार्जर देन लाइफ इमेज था, उसके अलावा भी एक इमेज क्रिएट हो रहा है दूसरे फिल्मों का? ये तो बहुत ज़रूरी था और ये होना ही था आखिर में, क्योंकि क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आज की तारीख में कॉन्सेप्ट ही मेन चीज़ है. आपने देखा होगा पिछली कुछ फिल्में आई हैं जो कॉन्सेप्ट इतने ब्रिलियंट रहे, तो उसमें डेफिनेटली ऑफकोर्स कास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बट कॉन्सेप्ट कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, रीजनल में तो और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं और जो कि ट्रू स्टोरीज हैं, तो क्यों ना उसको यू नो एक्सप्लोर किया जाए. और अभी जब इतना अच्छा चांस मिल रहा है हंगरी में शूट करने का, तो वो क्यों ना वो स्टोरी जाके ऐसे लोकेशंस भी की जाए जो लोगों ने देखी नहीं हो और वो कनेक्ट कर सकें उससे. तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप आई बिलीव. सबसे बड़ी प्लस पॉइंट को हिट और फ्लॉप वो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना, वो हिट और फ्लॉप ऊपर वाले के हाथ में. बट इतनी गारंटी देता हूँ कि दोनों फिल्में देख के निकलोगे ना तो दिमाग में छाप छोड़ के जाऊंगा. क्या बात है, कॉन्फिडेंस आ रही हो जाए बिल्कुल, चाहे हॉरर हो चाहे रोमांटिक हो. ओके, लास्ट टू क्वेश्चन, छाप जरूर छोड़ूंगा. देखिए, एक एक रोमांटिक से निकल के हॉरर में जाना बहुत डिफिकल्टी मेरे लिए, उसको मेरे लिए आसान नहीं था, और मेरे को आसान करने वाला थे मिस्टर अमित खान जी, इज़ वेरी गुड राइटर. इनकी बहुत 100 सुपर बुक्स आ चुकी, नॉवल आ चुकी हैं, क्योंकि हॉरर के बहुत स्पेशलिस्ट हैं ये हॉरर के. तो इन्होंने मुझे रोमांटिक में, मैं खुद गुरु हूँ, लोग मुझे लव गुरु कहते हैं, मैं खुद मानता हूँ मैं खुद रोमांटिक हूँ. तो मुझे हॉरर का बहुत खौफ था, पर हॉरर मेरे एक ऐसे दिमाग में बैठे कि हॉरर करनी थी मेरे को बहुत, और दोनों साथ में करनी थी, और मुझे फुल जो सपोर्ट दी वो अमित खान ने दिए. और दोनों ही कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है, दोनों ही बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है जी, बहुत डिफरेंट है एकदम. थैंक यू. ओके, हसन के लिए प्लीज. आलम के लिए, पाजी को एक्चुअल में हॉरर इसलिए पसंद है क्योंकि पाजी को शुरुआत से डराने का सबको बहुत आदत है. तो हॉरर का इसलिए इन्होंने हॉरर बनाना, ये सीजर जो है तो इनका पसंदीदा एक्चुअल में देखा जाए कॉन्सेप्ट वो हॉरर ही है, इनको हॉरर में बहुत ज़्यादा मजा आता है. सीजर, ओके. हॉरर में एक आपने बहुत पहले एक स्पेनिश और एक गाना सुना होगा, उसमें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सेनोरिटा. तो उसको कंजस हम लोग लेके आ रहे हैं यूरोप और इंडियन सॉन्ग मिक्स, नहीं मिक्स लेकर आए हैं, जिसको म्यूजिक दिया है दिलशाद ने, जो रहमान साहब के बिल्कुल, यस, रहमान जी के राइट हैंड, मैंने सुना है, राइट हैंड है और वो भी इस फिल्म में है. हाँ, इसका दिलशाद ने दिया है म्यूजिक सारा, तो बोलना नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी हो जाएगी थोड़ी अगर पाकिस्तान का नाम लिया तो, मैं चाहता ही नहीं नाम लेना. और सर, हमारे माही फिल्म में जो म्यूजिक डायरेक्टर वो भी तो हैं, रुद्राज, उनको तो बुलाइए, उनको उनके बारे में कुछ बताइए. म्यूजिक मेरे में जो पंजाबी में कर रहा है वो जग्गी सिंह कर रहा है, जग्गी, जग्गी पाजी, ओके, जग्गी पाजी हो जाए माही कर रहे हैं, ये जग्गी सिंह कर रहे हैं, और वेरी गुड राइटर, बहुत अच्छा राइटर पंजाब में है ये, इसने सारे मेरे जितने भी दिल के अरमान थे पंजाबी म्यूजिक के, ओए होए, सारे इस बंदे ने पूरे किए हैं मेरे. क्या बात है,
Any question last? Okay, so thank you very much. Himanshu, कहाँ हैं आप? हिमांशु सर क्यों नहीं? इसको छोड़ रहे हो मुझे सर इधर आइए सर एक बार हिमांशु सर के लिए तालियां हो जाए प्लीज हिमांशु सर हमेशा यार मेरा ये पीआर मेरा भाई भी है और मेरा पीआर भी है हिमांशु सर मैं आधी रात को भी तंग करता हूं इसको सर पर ना कभी नाराज नहीं होते हमेशा स्माइल करते रहते हैं सर क्या राज है भाभी यही पीआर है यार इस बंदे को मैं देखा है कि ये इनकी वाइफ पर अंडा बहुत खतरनाक वाला है इनके ऊपर ओह माय गॉड Okay, so thank you very much to everyone thank for coming. Thank you so much for your blessings. It's very important. Isi ke saath manaiye Ganpati Bappa ka tyohar. Take care. Bye bye. Kare? Arey, zyada apko kuch. Haan, ek media interaction jisko karna hai, please aa jaye. Fatafat one by one, one to one. Please, please. Ek group photo le lijiye pehle. Kya baat hai? Hello, hello. Mahi releasing very soon. Super poster, boss. Thank you very much. For all the team, आपकी वजह से ये सक्सेस होने वाला है इवेंट थैंक यू वेरी मच ऑल द टीम थैंक यू आगे से प्लीज सब लोग मीडिया वाले कह रहे हैं कि आगे से भी पिक्चर दे रही है सारी टीम प्लीज बैठ जाओ भाई आप लंबा थोड़ा सारे फोटो व्हाट्सएप होने चाहिए ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज थैंक यू सो मच ऑल द टीम हो गया good to see you you hardly come to any event how come you are here no I recently happened to meet Sandhu saab and I want to work with him in the future so I just came to wish him all the best for his launches and you know he's a nice human being and that's what's very important to me good people to work with and you know and nowadays projects are evolving it's not only about the big houses doing films there are much more films you know being made on the lower level on the smaller level and on the medium level and you know and with good quality good cast you know I keep my mind open to good scripts so as long as the script is good you know people are good it's good to work with them okay what next are you working on some project is something in the Suryavanshi is going on right now so I've been actually tied up with Suryavanshi in such a way that main kuch aur kar nahi pa raha hu kyunki wo look bhi specific hai aur so last 3 months I've been on holiday actually I was supposed to do Kuli number 1 unfortunately script change ki wajah se wo film nahi ho payi but I'm stuck with only Suryavanshi. So I was supposed to do a web series. So I dropped the web series because of Kuli number 1. वो छोड़ दिया फिर वो Kuli number 1 नहीं हुआ तो मैं अभी छुट्टी पे हूँ. मैं फिलहाल छुट्टी पे जा रहा हूँ. Next week गोवा का plan बन रहा है. उसके बाद मैं राजस्थान जा रहा हूँ. Chill करूँगा. फिर अगले महीने अक्टूबर से climax है Suryavanshi का. So I'll be full on training for that. Okay, your experience working with Akshay and Rohit. Yeah. There's no words. I mean, I'm too small a person to even describe something like that. But Akshay sir is amazing, fun to work with. I mean, there is never a day कि हम लोग set पे हंसते नहीं हैं. इतना हंसाते हैं, इतना हंसाते, इतनी वो सबकी खिंचाई करते हैं. उनका उनका एक और he's a big practical joker. That's the fun of it. And like you know, it's so much fun to be on a set and which has lively atmosphere. Rohit also you know is pulling your leg all the time. And there's huge action. Like it's you know इतने बड़े like to be part of it only feels abnormal कि इतने सारे गाड़ी के explosions, इतने सारे you know chopper, ये वो bike, वो उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, कहाँ देखें कुछ समझ में नहीं. So it's fun to be a part of something so huge. Dharma की फिल्म है obviously and you know Rohit Shetty तो I was the first like first day I just did one scene with him. और देख सर फील नहीं आ रहा है सर आपके साथ काम करने तो अगली दिन देखो लाइक यू नो कार चेस एंड दिस एंड दैट सो आई वाज लाइक हां अभी मजा आ रहा है डू यू रिग्रेट यू नो बिकॉज़ ऑफ सूर्यवंशी यू आर नॉट हैपन टू कुरिन कुरिन नंबर 1 नो नॉट बिकॉज़ सूर्यवंशी आई हैड टू लाइक दिस वन ऑफ दीस प्रोजेक्ट्स गॉट ड्रॉप then a couple of web series and all but that's not the you know that's what happens abhi jab kaam aata hai to sab on what ground you choose your friends I choose it very simply on the ground of one is if the script depending on if it's a smaller film than the script
Secondly, if it's a bigger film, then how many people are going to watch it? You know, because at the end of the day, it's important to be part of bigger projects also, and to associate yourself with films that everyone watches. That I feel is much more important than just trying to look for that lead role where, you know, this one dream role that you're going to get cast in and all that. No, I just want to work. I'm here to work. I play villains, I play heroes, I play whatever I can, play characters. So in Influence, you have a character kind of, it's kind of action comedy kind of thing. So it's fun. It's different to do. I mean, it's, for me, acting is like, I've been blessed by it. It's a privilege to do this, you know, as a profession. So whatever I can get, I do. And I just try to maintain a certain level of quality and try not to dip below that and work with good people. Because at the end of the day, when you come away from it, you know, there are certain experiences that leave you really angry and wasted and tired. And that's not what you want. You want to work with good people. Like now working with Rohit Shetty, every day is like fun. So I'm looking forward to going to the set. I'm just like, every day I call them, I said, dates final. They're like, yeah, October 1st, we're shooting. I was like, yes, let's go. So even when I finished my chopper scene, I was like, you know, dancing and all in the thing. I was hanging out of the chopper and doing fun things and all. And my team was telling me, I've never seen you smiling so much. I was like, because it's so much fun to do these kind of things. You never get to do this kind of stuff. You know, so Akshay sir was asking me ki tera pehli baar ja raha chopper mein, aur sir pehli baar nahi ja raha lekin pehli baar main bahar latak raha hu, kuch action kar raha hu, to maza aa raha. So it's that kind of thing. Thank you so much. Thank you.